दोस्तों पौराणिक किस्से कहानियों में आपने जरूर सुना होगा किसी विशेष स्थल या फिर खजाने की रक्षा के लिए द्वार पर रक्षक विराजमान होते हैं। कई बार यह रक्षक खुकार जानवर भी होते थे, लेकिन यह केवल उन्हें हानि पहुंचाते थे जो उस स्थल को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने के मकसद से आते थे। लेकिन आज इसी कहानियों की तरह हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे। यह आज के युग की ही कहानी है जो मात्र एक किताबी कहानी ना होकर एक मंदिर की सच्चाई बन चुकी है। एक ऐसा मंदिर जहां कितने ही वर्षों से एक मगरमच्छ है, यह मगरमच्छ उस मंदिर की रक्षा करता है। जी हां, जानकर आपको जरूर ही अचंभा हुआ होगा, लेकिन यह खतरनाक मगरमच्छ सच में इस मंदिर की रक्षा करता है। यह ना यहां आए भक्तों को कोई नुकसान पहुंचाता है और ना ही उन्हें डराता है। यह केवल मंदिर में आने वाले संकट की सूचना देता है। लोग इस मगरमच्छ का नाम बाबिया बताते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य में स्थित कोची जिले के अनंतपुरा मंदिर में रहता है यह बाबिया मगरमच्छ। इस मंदिर के भीतर एक झील है। इसी झील में बाबिया मगरमच्छ का निवास है। झील के अलावा वह आसपास बनी गुफाओं में भी चला जाता है। लेकिन यह मगरमच्छ कहां से आया, इस झील में कब आया, यह कोई नहीं जानता। लेकिन लोगों का कहना है कि 9वीं शताब्दी में मंदिर के निर्माण के बाद ही यहां झील में अचानक एक मगरमच्छ आ गया। लोगों का कहना यह भी है कि तब से लेकर अब तक इस झील में कई मगरमच्छ मरे भी, लेकिन अचंभा तब होता है जब एक मगरमच्छ मरने के बाद अपने आप ही दूसरा मगरमच्छ झील में आ जाता है। केरल के कोची में अनंतपुरा मंदिर में ही अकेला ऐसा मंदिर है जिसमें तालाब है। लोक कथाओं के अनुसार इस स्थान को अनंत पद्मनाभ स्वामी का मूल स्थान माना जाता है। यह मंदिर बेकल से 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की तलहटी में बने तालाब में बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का इंसान आ सकता है। दक्षिण भारत में बने अन्य मंदिरों की तुलना में जहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश संपूर्ण रूप से निषेध है, वहीं दूसरी ओर अनंतपुरा मंदिर में कोई भी जा सकता है। और मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद यदि भक्तों की सबसे बड़ी रुचि किसी चीज़ में होती है तो वह है बाबिया मगरमच्छ। मंदिर ट्रस्ट के लोग बताते हैं कि लोग दूर दूर से बाबिया मगरमच्छ के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यह मगरमच्छ एक जानवर न होकर उनकी आस्था का प्रतीक बन चुका है। यह मगरमच्छ के मंदिर में होने के पीछे एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त श्री विल्वा मंगलूथु मग्र होकर कोची के इसी क्षेत्र में भजन गायन कर रहे थे। उन्हें बाल रूपी कृष्ण बार बार तंग कर रहे थे, जिसके कारण वे तालाब में गिर गए। लोग कहते हैं कि यह बाबिया मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि विष्णु भक्त श्री विल्वा मंगलूथु ही है। इसलिए लोगों के मन में बाबिया के प्रति भक्ति भावना होती है। किंतु यह कहानी कितनी सत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन बाबिया में लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं होती। जो भी भक्त इस मंदिर में आता है वह भक्ति भाव से बाबिया के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लाता है। मंदिर प्रशासन के अनुसार लोग बाबिया के लिए चावल, नारियल, गुड़ आदि का प्रसाद लेकर आते हैं। यह प्रसाद बाबिया मगरमच्छ को खिलाया जाता है। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि बाबिया मगरमच्छ जो है वह शाकाहारी है। जी हाँ, मगरमच्छ कभी भी शाकाहारी नहीं होते। वे तो अन्य जानवरों के साथ साथ इंसान को भी अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन बाबिया हमेशा शाकाहारी भोजन ही खाता है। इतना ही नहीं, वह तालाब में अन्य मछलियों के साथ रहता है। वह उन मछलियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मंदिर प्रशासन के अनुसार बाबिया सच में मंदिर का एक रक्षक है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो बाबिया पहले ही सबको सूचित कर देता है। कोची के लोग बाबिया को पाकर बेहद भाग्यशाली महसूस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।